नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सीखेगा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ विकास तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो या इमेज को सर्च करके कैसे पता कर सकते हैं इमेज किसकी है, और उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि यह इमेज किसकी है और इस टाइप की आपको इमेज और कहाँ पर मिल सकती है और किस किस टाइप की मिल सकती है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस घंटी के निशान भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे जाने वाले वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में जाना होगा, टाइप करना होगा गूगल। जैसे आप गूगल टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है इमेज सर्च का, तो आपको इसके मोड को चेंज करना है और इमेज सर्च पर क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ पर अब ये इमेज सर्च खुल चुका है। देखिए गूगल की जगह यहाँ पर आ चुका है इमेज। देख आप इस सर्च बॉक्स में यहाँ पर एक सिंबल देख रहे होंगे जिस पे कैमरे का निशान दिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए जैसे आप कैमरे पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप इमेज को लाकर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अपलोड करूँगा जिस भी इमेज को मुझे सर्च करना है, और इस चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपको किस इमेज को सर्च करके देखना है कि यह इमेज किसकी है। जैसे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कुछ इमेज है, जैसे अब यह है एक पेड़ है। अब मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही इसके बारे में सारी डिटेल दे देगा। ये इमेज की साइज़ इसने बता दी है कि इस साइज़ की इमेज ये है और ये एक आम का पेड़ है, ये बता दिया इसने। बेस्ट गेसेस फॉर द इमेज, मतलब यह एक आम का पेड़ है। इसके यहाँ पर क्लिक करके इसकी और डिटेल हम निकाल सकते हैं या फिर इसकी और साइज़ में भी निकाल सकते हैं। देखिए इसने और इसी प्रकार के आम के पेड़ की और भी सारे पेड़ दे दिए हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी सर्च रिजल्ट है इसने हमें सारे के सारे दे दिए हैं। अब देखिए ये तो हुई पेड़ की बात, हम कुछ और भी इमेज सर्च करके देखते हैं, हम और कोई सी इमेज सर्च करके देखते हैं कि ये वाकई में काम करता है या नहीं। तो इसके लिए हम वापस से चूज़ कर पे करेंगे। जैसे अब ये एक डॉग है, इस डॉग पे क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं कि ये डॉग को सर्च कर पाता है या नहीं। देखिए इसने इस डॉग को सर्च कर दिया है, यहाँ पर इसने इस डॉग का नाम लिख दिया है, ये जो भी इसकी जाति का नाम का डॉग है, और इसी प्रकार के और भी डॉग हैं जो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए कितने सारे डॉग हैं जो इसी प्रकार की जाति के हैं, इससे रिलेटेड जितने भी सर्च है इसने इसे सर्च करके दे दिए। अब हम कुछ और सर्च करके देखते हैं। अभी देखिएगा ये जो है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी की फ़ोटो है, यहाँ पर मैं इसे सर्च करके देखता हूँ कि यहाँ पर ये इसकी क्या डिटेल बताता है। ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि ये इसका नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अगर यहाँ पर जैसे विकिपीडिया में भी आपको इसमें इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये देखिए इसकी इतनी सारी इसने फ़ोटो इसी टाइप की आपको दे दी है कि आप इनमें से और भी इसकी फ़ोटो जो है ये है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो या इमेज से आप सर्च कर सकते हो कि यह फ़ोटो किसकी है और उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। आप अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।